ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइलेंस। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली सहायता योजना के जितने भी फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किए हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 2020 में अप्लाई किया है दिल्ली सहायता योजना के लिए, और जब भी वो स्टेटस चेक करते हैं तो ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आ रहा है, ज़्यादातर लोगों को मैं ये देख रहा हूँ, फॉर्म जो है अंदर प्रोसेस में ही दिखा रहा है। हमें क्यों दिखा रहा है, क्या उसे अंदर प्रोसेस में है तो उसे पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, आज के वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करना है, और इसके बाद दिए गए लिंक पर आपको क्लिक करना है। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है, अप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों का आधार कार्ड नंबर सबमिट करना है, और इसके बाद कैप्चर फिल करने के बाद फिर से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस में अंदर प्रोसेस में दिखा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, काफ़ी टाइम से आ रहा है, यानी कि हम 10 दिन 15 दिन से लगातार चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे फॉर्म हमारा अंदर प्रोसेस में ही दिखा रहा है। इसके बाद इसे हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद जहाँ से हम लोग पास होल्डर के लिए आवेदन करते हैं वहाँ पर आपको क्लिक करना है, और इसके बाद सिंपल फिर से आपको वही आधार नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कैप्चर फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको बताया जा रहा है आपने ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। इस तरह के प्रॉब्लम काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और वो लोग सोच रहे हैं हमारा जो फॉर्म है फिलहाल में अभी अंडर प्रोसेस में ही है तो क्या पैसे मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूँ, फिलहाल में अप्लाई करने का तिथि जो है 13/6/2021 तक का है, यानी कि आज 11 तारीख है, 2 दिन तक और भी अप्लाई कर सकते हैं आवेदन। इसके बाद 2 दिन के बाद ये प्रोसेस जो है, जो अंदर प्रोसेस में जो दिखा रहा है अंदर प्रोसेस में नहीं दिखाएगा, यहाँ पे सिंपल आपको अप्रूवल दिखा दिया जाएगा, या फिर पेमेंट स्टेटस जब आप चेक करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कि 2 से 2 दिन तो फिलहाल में आपको यहाँ पे अप्लाई करने का टाइम है, इसके बाद आपके अकाउंट में इजिली पैसे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।